गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि मैं आपको पिछले क्लास में बोली थी कि अगले क्लास में मैथ्स के क्विज के साथ, ऑनलाइन क्विज के साथ मैं आपके बीच आऊंगी, और आज मैथ्स के ऑनलाइन क्विज के साथ मैं आप लोगों के बीच आई हूँ। और मेरा ख्याल है कि आप भी पूरी तरह से तैयार होंगे। क्विज में जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर मेरा ख्याल है कि बहुत आसानी से दे लेंगे। तो पहला क्वेश्चन पेपर, यानी कि पहला जो क्वेश्चन है उसे मैं थोड़ा सा समझा दे रही हूँ। इसे ये बहुत ही आसान है, अभी आप लोग इस सब के बारे में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। व्हाट इज द टाइम शोइंग ऑन द क्लॉक? ये जो चार क्लॉक बने हुए हैं, चार घड़ी बनी हुई है, उसमें कौन सा समय दिखाई पड़ रहा है ये आपको बताना है। और नीचे जो एक मैरून कलर का बॉक्स बना हुआ है आपको उसमें टाइम फिल करना है। क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपको अपनी कॉपी में बनाना है, फिर भी आपको मैं समझा दे रही हूँ। ये जो घड़ी है इसमें दो सुई दिखाई गई है, एक घंटे वाली यानी कि आवर वाली, और दूसरी बड़ी सुई जो कि मिनट के बारे में हमें बताती है। और ये देखना है आपको ध्यान से कि कौन सुई कितने पे है। मेरा ख्याल है आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, मैच दी फॉलोइंग। यहाँ पे एक साइड आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, 8-10 क्वेश्चन हैं जो दिए हुए हैं, जिनको कि आपको कॉपी पे सॉल्व करना होगा पहले। और सॉल्व करने के बाद उसका जो सही आंसर होगा वो आपको राइट साइड में खोज के उसको मिलाना है, यानी कि मैच करना है। आपको लेफ्ट साइड में जितने भी क्वेश्चन हैं आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है आप देखिए। पहले वाले में आपको प्लस करना है, दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको डिवाइड करना है, थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको माइनस करना है, फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई करना है, फिफ्थ वाले में आपको दो बार प्लस करना है। इस तरह से आप बाकी क्वेश्चन के सिंबल्स देख लीजिए कि किसमें क्या करना है, और उसके बाद सॉल्व करके जो भी आंसर आए उस आंसर को राइट साइड में खोजना है और उसको मैच करना है, लकीर से यानी कि लाइन खींच के मैच करना है। तो दो क्वेश्चन पेपर आज आपको मैथ्स के ऑनलाइन क्विज में आपको मिला है। बच्चों ये दोनों क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में कीजिएगा, और इसे कॉपी पे करके चेक करने के लिए आप मुझे भेज सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं दिक्कत होगी। अगली बार मैं आप सभी से फिर मिलूंगी अगले क्लास में साइंस क्विज के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।